As a man who is dabbling with history every single day, Associate Professor in History Professor Devesh Yadav tells NNIS that the rule of democracy was the gift of Pandit Jawaharlal Nehru to India. In a freewheeling chat, he says that it is not surprisingly that there is constant attempt to rewrite history. Yadav, who is closely following every move of his government and its predecessors, says that any government coming to power tends to change things. He says it is no surprise that respective BJP state governments and the center has tried its bit to give its twist to history the way it is seen. He says this government wants Bhagat Singh and Patel to be brought into focus. ये एक स्वाभाविक बात है कि जब सरकारें बदलती हैं तो वो शिक्षा और खासतौर पे पुस्तकों के विषय वस्तु को परिवर्तित करने की कोशिश करती हैं। परंतु नेहरू जैसा जो एक वर्चस्व वाले व्यक्तित्व को गौण बनाना ये उचित नहीं होगा। ये जरूर अंडरस्टैंडेबल है, समझा जा सकता है कि नई सरकार कुछ और उनके प्रमुख पुराने प्रिफर्ड नेता हैं तो उनके बारे में, पटेल जी के बारे में जैसे, या भगत सिंह के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पुस्तकों में कुछ उनका वर्णन लाना चाहते हैं। परंतु नेहरू की, देखिए, हमें दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे उनको साइडलाइन नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किया जा सकेगा। Yadav points out three striking contributions of Nehru to India, adding that if democracy has blossomed in India, then it is courtesy the first Prime Minister of India. Hindustani nahi, vishv ke star par bahut bade kad ke neta hain. Aur iske teen karan hai jo mujhe samajh aata hai. Ek to democracy ko Bharat ki zameen mein रोपित करना और उसको पल्लवित करना, ये नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान है। अंबेडकर जी ने खुद कहा था कि ये जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा समाज है, ये प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं है स्वाभाविक रूप से। ये इतना ज़्यादा ऊंच नीच और सामंतवादी परंपराओं से ग्रस्त समाज था, उसमें इस पौधे को बड़ा करना ये आसान नहीं था। और ये बात हमें स्पष्ट नज़र आती है अगर हम तुलना करें भारत के साथ साथ और कई देश आज़ाद हुए थे। Devesh Yadav says that Nehru vision was diametrically opposite that of Mohandas Karamchand Gandhi. नेहरू जी का जो आर्थिक दृष्टि थी, विजन था, वो गांधीवाद से बिल्कुल उल्टा था। गांधीवाद ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग में विश्वास करता था। नेहरू जी बड़ी इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन और इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं।